जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक ना गिनी चुनी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी पढ़ाई है, फिबोनाची पढ़ाई है, मैंने आपको ट्रेड लाइन सपोर्ट पढ़ाया है, और मैंने आपको गैप अप कैंडल पढ़ाई है, शूटिंग स्टार पढ़ाया है, हैमर कैंडल पढ़ाई है। तो दोस्तों आप सबसे मेरे से हाथ जोड़ के विनती है, अगर मेरी इन सब में से स्ट्रेटेजी कोई भी ना 10 में से 8 बार या 7 बार काम ना करे ना, तो मेरे इस चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मेरे पास जो 10 स्टूडेंट है, मैं उनको यही बात बोलता हूँ कि अगर मेरी ना स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही ना, तो अभी भी बेटी बाप की है, आप 20 के पैसे वापस ले सकते हो। मैं उनको बस यही बात बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे को ऊपर वाले को भी जवाब देना, तो मैं आपको ना गलत बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा। जो भी नॉलेज होगी ना, जेन्युइन नॉलेज होगी, और जो मैं जानता हूँ वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं ना, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर 5 के सीरीज चल रही है ना। तो हम रोज 5 के चैलेंज लेते हैं। तो आज हम फ्राइडे को वैसे तो ट्रेड नहीं करते, लेकिन मैंने पहले प्रॉफिट कर लिया था, तो उस वजह से आज मैं फ्राइडे को ट्रेड कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दे दिया था, इस जगह पर ये कैंडल बनी थी ना तब 11:10 की, कि मार्केट ना जब भी ब्रेकआउट देगा ना, उसके बाद में आप ट्रेड ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे मेरे को तकरीबन 120 रुपये का पड़ा था वो लोट, एक लोट था। और जब ये कैंडल बनी थी ना, ये कैंडल, इस कैंडल की क्लोजिंग पे ये कैंडल बनी थी 11:35 की कैंडल। इसकी कैंडल की क्लोजिंग के बाद में मैं एग्जिट हो गया था, क्योंकि इस कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा थी, तो मैं एग्जिट हो गया था। तो तकरीबन मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ था वो आप इधर देख सकते हो। तो दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, इस जगह पर यहाँ पर ट्रेड लिया, और इसके बाद में आप देख सकते हो कि 1087 रुपये का तो प्रॉफिट हुआ है। ये कॉल था, कॉल साइड गया था मैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको ये ट्रेड टेलीग्राम ग्रुप में भी बता दिया था। और अब देखिए दोस्तों, इसका क्या लॉजिक था। देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद में ये ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। ट्रायंगल पैटर्न बनाने के बाद में आप इसकी वॉल्यूम देखो कितनी है ना। और अगली कैंडल ने थोड़ा सा मोमेंटम दिया है, और वॉल्यूम देखो कितनी ज़्यादा, इसको क्या मक्की खा गई थी। और अपना जो फिबोनाची का लेवल है, यहाँ पर अपना फिबोनाची का लेवल भी था, तो सारे लेवल मैच थे इसमें, और कैंडल भी अच्छी थी, तो यहाँ पे अपन ने ट्रेड ले लिया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मेरी जो स्ट्रेटेजी है ना, वो कैसे कैसे काम करती है, और कितनी जगह पर आज काम करी है ना, अब आप वो देखिए। देखो, पहली स्ट्रेटेजी आज अपन देखते हैं गैप अप कैंडल वाली, जो मैंने आपको पढ़ा 9:35 की ना, गैप अप ओपन हुई, और देखिए अच्छा मोमेंटम करिए, अपने को टारगेट भी अच्छा मिल गया। इसके बाद में गैप अप कैंडल ओपन होती है 9:55 की, जो इसका हाफ था, इसने उससे टारगेट दे दिया। और इसके बाद में अपन देखेंगे कहाँ पर बनी है, कहाँ पर बनी है, ये कैंडल बनी है अपनी 12:20 की, 3 बार काम करिए। इसके बाद में बनी है कैंडल, के बाद में कैंडल बिल्कुल भी नहीं बनी, एक कैंडल बनी है 11:50 में, 4 बार काम करिए आज। ऐसे ही अपन बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी को खोल लेता हूँ मैं एक बार। अब देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में कितने बार काम करिए, पहली तो करिए 9:55 पर, ठीक है। इसके बाद में आती है बारी 11:05 की, 11:05 पे अपना ऐसा लिट हो गया, लेकिन इसमें मैं ट्रेड नहीं लेता। क्यों? क्योंकि इस कैंडल की कोई वॉल्यूम ही नहीं है, ऊपर कैंडल गई है तो कोई रिजेक्शन ही नहीं। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता तो डोमिनेशन होता, डिफेंस होता, तो इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, तो मैं ट्रेड नहीं, लेकिन चलते हैं, ट्रेड हो गया इसमें अपना ऐसा, तो एक प्रॉफिट एक ऐसा, ठीक है। और इसके बाद में कैंडल बनती है 11:30 की, इसमें अपने प्रॉफिट हो गए, तो 2 प्रॉफिट हो गए। इसके बाद में 12:25 की, तो तीन बार तो ये काम करी है, और एक बार अपना एसएल हिट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है फिबोनाची की, अब फिबोनाची को देखिए, यहाँ पे मैं फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूँ, एक बार काम करी है, इसमें वॉल्यूम भी देख सकते हो दोस्तों, आप जाके वॉल्यूम भी देखो, है ना। जो मैंने फिबोनाची में पढ़ाया ना, मैंने वॉल्यूम आपको उसमें अच्छे से पढ़ाया, काम ना करें ना तो अनसब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था ना कि कल परसों एक वीडियो आएगा, उस वीडियो से पहले मैं बोल देता हूँ, अगर वो कंसेप्ट है ना, ट्रेंड रिवर्सल का कंसेप्ट होगा वो पूरा, अगर वो कंसेप्ट काम ना करे ना, तो आपके भाई के इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। देखो, मैं बिल्कुल भी खुल के रहने वाला आदमी हूँ, मैं कोई भी बात नहीं छुपाता भाई। अगर मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, तो मेरे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई, मेरे में दम है नहीं है, तो मेरे को पता है कि मेरे अंदर कितनी नॉलेज है। तो मैं खुल के बोल रहा हूँ आपको कि आप अनसब्सक्राइब कर देना अगर वो काम ना करे तो। दोस्तों थोड़ी आवाज़ सही नहीं आ रही, थोड़ी तबीयत खराब है, जुकाम लग गई है बारिश की वजह से। अब आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये 2 बार काम करिए, ठीक है जी। अब फिर से ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी भाई, 3 बार काम करिए, और वॉल्यूम का कंसेप्ट आप लगा ही लेना इसके बाद में, तो 3 बार काम करिए। और इसके बाद में कहाँ पर बनी है, इसके बाद में यहाँ पर ये बनी नहीं होगी शायद, ये नहीं बनी है, डायरेक्ट इसको तोड़ के मार्केट आ गया। तो 3 बार तो यहाँ पे काम कर चुकी है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में आप यहाँ पे देखोगे, एक बार और काम करिए, मैं ये खोल लेता हूँ निफ्टी। तो देखिए दोस्तों,
निफ्टी में एक यहां पर काम करिए, इस जगह पर। तो देखिए दोस्तों, तो चार बार अपनी स्ट्रेटेजी काम करी है, चार पांच बार तो यहां पे, चार बार तो यहां पे अपनी फिबोनाची काम कर गया और चार बार ही वहां पर काम कर गया, और अपनी जो गैप अप वाली कैंडल है ना वो भी तीन चार बार यहां पे काम करी और तीन चार बार ही वहां पर काम करी, तो अपनी स्ट्रेटेजी काम करती है। आप अच्छे से बैक टेस्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे और भी अच्छे से काम करेगी। यहाँ पे मैंने जो श्रृंगिंग कैंडलस्टिक पढ़ाया था वो काम करा है, तो श्रृंगिंग कैंडल भी देख लेते। यहाँ पे श्रृंगिंग कैंडल बनी है, और इसके बाद में अपन बैंक निफ्टी में देखते हैं श्रृंगिंग कैंडल्स कहाँ 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 पर बनी है। ये देखिए बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे देख लो स्विंगिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना। तो हर दोस्तों देखो ये ट्रेड लाइन बनी हुई है ना, देखो मैं ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ ना, तो इस ट्रेड लाइन को देखो आप, मैं तो देखो ऐसे ड्रॉ करके रखता हूँ, मेरे को पता नहीं आप कैसे ड्रॉ करके रखते हो। मैं विक से विक रखता हूँ, बॉडी बिल्कुल भी टच नहीं करता, तो अभी तक तो ये ट्रेड लाइन कट नहीं हुए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बॉडी से बॉडी भी ड्रॉ कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी देखो ट्रेड लाइन टूटती है ना तब वो एक कंफर्मेशन देती है। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लिया है ना, तो इस कैंडल में देखो वॉल्यूम ज़्यादा क्यों आया बताइए, 1 बजे की कैंडल में भाई साहब इतना वॉल्यूम क्यों आ गया? इससे पहले वाली कैंडल तो इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी और वॉल्यूम इतना सा कम, क्योंकि भैया ये ट्रेड लाइन टूटने वाली थी, और ट्रेड लाइन जब टूटने वाली थी ना तो सेलर ने डोमिनेशन दिया था इस जगह पे, बाय ने सॉरी कि भाई यहाँ से ये टूटे ना, तो उन्होंने डोमिनेशन दिया था, और यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी, तो इस वजह से यहाँ पे कैंडल में खतरनाक वॉल्यूम आया। अब इसके बाद में अगर ये नीचे इसको क्लोजिंग दे देगा तो ट्रेंड रिवर्सल होगा। अब दोस्तों एक बात हो रहा थी, यहाँ पे देखो ये एम पैटर्न बना है, ये एम पैटर्न बना है, या इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल लेते हैं। तो ये देखो इसको डायरेक्ट तोड़ा, डायरेक्ट तोड़ने पे आप एंट्री मत लिया करो, ये कैंडल डायरेक्ट तोड़ के आई, लेकिन आप एंट्री मत लिया करो इसमें। जब ये रिटेस्ट करने गया ये ऊपर गया, यहाँ पे जो भी वो होता है ना लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ये ऊपर गया है, कैंडल वाला एम पैटर्न यहाँ पे बना है, कैंडल वाला एम पैटर्न यहाँ पर भी बना है, गैप अप कैंडल भी, बहुत सारी स्ट्रेटेजी अपन एक साथ देखते हैं वो। तो उसके बाद में अपना एक एज बनता है, देखो मार्केट में अगर मेहनत करोगे ना तो आपकी भी स्ट्रेटेजी काम करेगी, हर स्ट्रेटेजी काम करती है, आप अगर मेहनत करोगे ना तो आपकी भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम करेगी। अब देखिए दोस्तों, जब जब ये इसको नीचे तोड़ के निकलेगा ना, तो नीचे तोड़ के आप वापस से पुट ले सकते हो। अभी मार्केट को अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे ना, तो फिबोनाची को ये शायद डायरेक्ट तोड़ रहा होगा, तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे जो 50% का लेवल है, और इसके बाद में अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये देखो अच्छा, एक अच्छा वाला ट्रेंड रिवर्सल नहीं है ये। अगर इसको नीचे पड़ना होता ना बहुत तेजी से, तो ये 50% के लेवल को तोड़ के जाता ही नहीं, एक तोड़ के जा रहा है इसका मतलब इसको नीचे नहीं गिरना अभी बहुत तेज, क्योंकि नीचे तेज गिरने वाला इतने इतने बड़े पुल बैक नहीं देता, बड़े प्लेयर इतने बड़े पुल बैक नहीं देने देते हैं, ये मार्केट की खासियत होती है इसमें। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी मर्जी, अपन नहीं बोल रहा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।